नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हम आपके सामने ग्रामीण उद्यमिता संस्थान के बारे में, जो ऑथराइज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मैं आपको अभी लेटेस्ट जो अपडेट आई हुई है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो साइट थी जो कुछ दिन पहले बंद हो गई थी या बंद की गई थी, वो ओपन हो चुकी है। और उसके बारे में जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो मैं आपको इसी चैनल पे बता देना चाहता हूँ। और काफ़ी चीज़ें लोगों के मन में शंकाएँ थी, कई चीज़ें के बारे में थी कि ये साइट कब खुलेगी, किस बेस पे खुलेगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि ये या तो 14 तारीख को या तो उस अगले हफ्ते ही खुलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही कि ये साइट इस अभी तो खुल चुकी है, और जो भी इम्पोर्टेंस नोटिस या कोई भी अपडेट आता है उसके बारे में मैं आपको इसी चैनल पे बता दूंगा। और कई लोगों का कहना ये था कि ये चीज़ें फेक है, रियल है, किस तरीके से, तो अब कहा जा सकता है कि ये रियल है, क्योंकि ग्रामीण उद्यमिता संस्थान जो कार्य करता है वो ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए करता है। किस तरीके से करता है वो आपने पिछली वीडियो में भी देख लिया था। और जो भी इम्पोर्टेंस नोटिस या जो भी अपडेट आता है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने अब साइड में जो अपडेट किया हुआ है वो हेड ऑफिस के बारे में, इन्होंने रीजनल ऑफिस के बारे में, वेब मैनेजर के बारे में और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के बारे में यहाँ पे उन्होंने पूरी जानकारी दी हुई है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो हेड ऑफिस की अगर बात की जाए तो B/65 SP Road अमरावती 20 AP आंध्र प्रदेश। और जिन ये इनकी ईमेल, अगर ईमेल आईडी की बात की जाए तो admin@gusindia.co.in इन्होंने ईमेल आईडी भी दे रखी है। और रीजनल ऑफिस की अगर बात की जाए तो वो बीर भगन VIP रोड ककाली कोलकाता 52 वेस्ट बंगाल में है। और इनकी ईमेल आईडी जो है वो inquiry@gus.co.in है, inquiry@gmail.com ये भी इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे रीजनल ऑफिस की है। अगर वेब मैनेजर की बात की जाए तो गोदाम दामोदर दास रेड्डी, और जिनकी ईमेल आईडी की बात की जाए तो webmanager@gusindia.co.in इनका ईमेल आईडी है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात की जाए तो खरगिरी वेंकटेश, और जिनकी ईमेल आईडी की बात की जाए तो projectdirector@gus.co.in इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये कुछ अपडेट इन्होंने साइड में डाली हुई है जो मैंने आपको अभी दी है।